उत्तर प्रदेश के मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं असद इनकाउंटर के मामले पे बात करने के लिए। सपा लगातार ये आरोप लगा रही है। सपा में अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा कि ये जो असद का जो इनकाउंटर किया गया है ये फेक इनकाउंटर है। इस विषय पे बात करते हैं जयवीर सिंह जी से। सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आपकी सरकार फेक इनकाउंटर करती है, असद का इनकाउंटर भी आप लोगों ने फेक किया है, मायावती हो कांग्रेस हो सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं, किस तरीके से क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई भी मुठभेड़, कोई भी इनकाउंटर होने के बाद विधिवत उसकी मजिस्ट्रियल जांच होती है, और मजिस्ट्रियल जांच में सारे तथ्य पब्लिक के द्वारा घटना स्थल से लेकर सारी पूरी जांच उपरांत उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का काम होता है। तो उस पर भी क्या इस तरह की जो व्यवस्था, उस पर भी अगर प्रश्न लगेगा तो एक संवैधानिक बना हुआ सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। हर इनकाउंटर के बाद उसकी जांच होती है, जांच का इंतजार करें, जांच रिपोर्ट में अपने आप स्वतः ही इनकाउंटर वास्तविक था या फेक था। लेकिन अखिलेश यादव तो पहले ही बोल रहे हैं कि फेक इनकाउंटर है, हालांकि मायावती ने भी ट्वीट करके इसका विरोध किया है इनकाउंटर का, कांग्रेस भी इसको कह रही है कि ये गलत हुआ है। मैं यही कह रहा हूँ, फेक कैसे कहते हैं? फेक अगर फेक है तो जांच में आ जाएगा ना, मिनिस्ट्रियल जांच में। मिनिस्ट्रियल जांच में तो हर इनकाउंटर का मिनिस्ट्रियल जांच होती है, तो उसका जांच का भी इंतजार नहीं होने, फेक पहले से कह दे रहे हैं। इसका मतलब पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, और इससे साफ होता है कि अपराधी और अपराधियों को संरक्षित करने वाली भावना उनकी जो रही है वो अभी निकल नहीं पा रही है। अरे यही सब फलीपुर, कितने लोगों का इन कुख्यात जो माफिया हैं, कितने गरीबों का बस्ती उजाड़ दी, कितनों का जीवन उड़ा दिया, कितने के आशियाने उजाड़ दिए, कितने लोगों का मर्डर करा दिए, कितने लोगों की जमीनों पर कब्जे कर लिए, और सब राजनीतिक संरक्षण में किया गया। ऐसे लोगों का आज इस सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत गरीबों की आत्मा की दुआएं, बददुआएं जो निकली, उसी का प्रतिफल है कि आज योगी जी के द्वारा उनको न्याय दिलाने का काम किया जा रहा है। गरीबों को वास्तविक जो न्याय की आशा थी वो उससे उम्मीद बनी है, और आज न्याय मिल रहा है। आजीवन कारावास पहली बार इस शासन में ठीक को हुआ है। तो मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर जीरो टॉलरेंस की नीति जो प्रदेश सरकार की है, आदरणीय योगी जी की है, वो रहेगी। वो है, कितना ही बड़ा माफिया हो या कितना ही बड़ा राजनीतिक उसको संरक्षण प्राप्त हो, किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हम बधाई देते हैं UPSTF को, हम बधाई देते हैं पुलिस को, और बधाई देते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री को, जिनके सार्थक प्रयास धरातल पर उतरे हैं। और निश्चित रूप से जो एक अभियान चला है गुंडे और गुंडों के गुंडे के खिलाफ, अपराध और अपराधियों के खिलाफ, वो अंजाम तक पहुंच रहा है। बाकी जो शूटर्स हैं उनको लेकर आप क्या कहेंगे, जो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं? शाइस्ता भी फरार चल रही है। ये तो आप तब भी कहते थे, साथ में तो चांद निबट चुके हैं। बाकी का जो भी न्याय आएगा सामने देखते जाइए, अंजाम होगा धरातल पर। कि चार निपट चुके हैं तो बाकी निपटने का मतलब, अगर मुठभेड़ होगी, हाजिर नहीं होंगे, पुलिस से गोली चलाएंगे, आमना सामना करेंगे, न्यायालय में समर्पण कर दें। पता है आपको मुठभेड़ होगी जरूर। नहीं, क्यों होगी मुठभेड़? अगर समर्पण कर देंगे तो काहे को ये स्थिति आएंगी? समर्पण करेंगे, न्यायालय में जाएं, सबको अधिकार प्राप्त है, न्यायालय में जाएंगे, जुडिशियली जो भी प्रोसेस होगा उसके अंतर्गत कार्रवाई होगी। लेकिन अगर पुलिस पर गोली चलाएंगे, पुलिस पर मुठभेड़ करेंगे, तो पुलिस भी शांत नहीं बैठेगी। जब अतीक अहमद को जब लाया जा रहा था तो आपके ही कई मंत्रियों ने, बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा था कि गाड़ी पलट सकती है, अगर ज़्यादा गाड़ी में बैठ के आराम से गाड़ी में बैठ के आए, वरना गाड़ी पलट सकती है। तो गाड़ी तो नहीं पलटी, लेकिन इनकाउंटर ज़रूर हो गया। अभी फिर अभी तो रिमांड है, लेकिन उसके बाद अगर फिर से कुछ होता है तो क्या फिर से गाड़ी पलट सकती है? एक लाइन की बात माननीय मुख्यमंत्री की आपको याद होगी, उन्होंने कहा है कि अपराध अपराधियों को, माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। वो याद रखिए, बाकी सब अच्छा हुआ, सब अच्छा हो गया। अच्छा, आखिरी सवाल, सभी जो पार्टियां हैं, मतलब हम सपा की तो बात कर ही रहे हैं, मायावती की पार्टी, बसपा हो कांग्रेस हो, सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो क्या क्या कारण है, क्यों विरोध क्यों कर रहे हैं सभी लोग? आप कह रहे हैं कि माफिया है, माफिया था, माफिया मर गया, तो विरोध कर रहे हैं सब? विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उनको अल्पसंख्यक मुस्लिम वोट चाहिए, वो धर्म से जोड़ते हैं, वो जात से जोड़ते हैं, कभी अति पिछड़ों की बात करते हैं,
कभी अपराधियों को संरक्षण देने में अल्पसंख्यकों के वोट को पाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी बिना किसी भेदभाव के अपराधी का मतलब अपराधी, माफिया का मतलब माफिया, उसकी कोई भी जात धर्म हो उस पर हम लोग विभेद नहीं करते, उसका भेदभाव नहीं करते। जो भी अपराधी है, जो माफिया है, जो बड़े बड़े कुख्यात अपराधी हैं, उनके खिलाफ बिना किसी धार्मिक या राजनीतिक या जाति भेदभाव के एक रूपता के साथ अपराधी को अपराधी की तरह ट्रीट करा जाएगा। बात करने के लिए तो सुना आपने, ये थे उत्तर प्रदेश के मंत्री जयवीर सिंह, जिनका साफ कहना है कि अभी आगे आगे देखिए होता क्या है। बस इतना याद रखिए कि मुख्यमंत्री ने एक बड़ा बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, तो बाकी जो शूटर्स बचे हुए हैं अब देखना है कि वो कब मिट्टी में मिलते हैं। कैमरामैन दुर्गेश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ।